विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरह आए दिन हमारे तीर्थों के ऊपर असामाजिक तत्वों द्वारा कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को International Bands and Smartwatches Collection with great offers at Minute to Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute to Style near Martindal Bridge Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि जिस तरह आए दिन हमारे तीर्थों के ऊपर असामाजिक तत्वों द्वारा कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है और कहीं कब्जे किए जा रहे हैं और कहीं जो है हमारे जो आदर्श हैं, हमारे धर्म के जो रक्षक हैं, हमारे धर्म के जो जिनके पीछे हमारा जैन धर्म चल रहा है, हमारे सिद्ध परमेश्वरी हैं, उन क्षेत्रों के ऊपर जो है उन्होंने अतिक्रमण करके और उनको हथियाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसके विरोध में मुख्यतः अभी जैसे चाहे हमारा संदेश शिखर जी का मैटर था, चाहे हमारे अभी प्रेजेंट में गिरनार जी का मैटर चल रहा है, चाहे पाली थाना का मैटर चल रहा है, सब जगह उन असामाजिक तत्वों ने जो है कब्जा करके और उन क्षेत्रों पर जो है अपना एकाधिकार जमाना चाह रहे हैं उसके विरोध में संपूर्ण भारत के अंदर जो है जैन समाज द्वारा आज विरोध प्रदर्शन है, जिसके तहत दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर हमारे जैन समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और हमने हमारे क्षेत्र वाइज भी जो है हमने इस कार्यक्रम को रखा है। आज समस्त जैन समाज द्वारा उपवास रखा गया है और 3 घंटे का हमने यहाँ प्रदर्शन रखा है कि 3 घंटे हमें विरोध स्वरूप बैठे हैं कि सरकार आप जो है चेत के हम लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, इस देश के अंदर जो है जैन समाज के लोग जितने सादगी से और जितना देश के अंदर उनका सहयोग है उस सहयोग को देखते हुए जैन समाज की बिल्कुल सुरक्षा जो है सरकार द्वारा नहीं की जा रही है, उनके क्षेत्रों की सुरक्षा नहीं की जा रही है, उसके लिए हमने आज जो है यहाँ उपवास रखा है और समस्त हमारा जो है पूरे दिन भर का उपवास पूरी समाज का है। आज पूरी समाज का कोई भी व्यक्ति हमारा अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा और यहाँ जो है हमने अपना विरोध स्वरूप यहाँ एक कार्यक्रम रखा है जो गांधी भवन से हम एक सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि शीघ्र हमारे क्षेत्रों को उन असामाजिक तत्वों से मुक्त किया जाए और वहाँ की गतिविधियों के लिए जो प्रशासन द्वारा वहाँ सख्त कार्रवाई कर जो है कहीं ना कहीं जो है हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। 15 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में सकल दिगंबर सितंबर जैन समाज एकत्रित होकर हमारे तीर्थ क्षेत्र जो गिरनार जी हैं, संबेश शिखर जी हैं, पालीताना है आदि आदि पर शत्रुंजय में अवैध कब्जे हो रहे हैं, जिनको लेकर के सारे समाज में बहुत रोष है कि हमारे इन सिद्ध क्षेत्रों पर कब्जा करके आखिर दुनिया के जो असामाजिक तत्व क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि दिगंबर जैन समाज सितंबर जैन समाज एक संपूर्ण समाज शांतिपूर्ण जीवन यापन करने वाला समाज है। इसके सिद्ध क्षेत्रों पर जहाँ की इनकी आस्था विशेष है, जहाँ से इनके तीर्थंकर और मुनि आदि मोक्ष गए हैं, ऐसे सिद्ध क्षेत्रों पर कब्जा कर करके हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। हम सभी से भावना रखते हैं कि पूरा भारत देश लोकतंत्रात्मक है और यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऐसे राज देश में यदि जैन समाज अल्पसंख्यक है उसके साथ ये नाइंसाफी ना हो और साथ ही साथ हमारे जो क्षेत्रों पर अवैध कब्जे किए गए हैं उन्हें मुक्त किए जाएं। आज 17 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में खासकर दिल्ली में रामलीला मैदान में विशेष बड़ा आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से हम सरकार को और देश के प्रत्येक व्यक्तियों को जागरूक करके बताना चाहते हैं कि जैन समाज के लिए हमारे हित के लिए हम लड़ना भी जानते हैं और संघर्ष करना भी जानते हैं, इसलिए हमारे इन क्षेत्रों को उन असामाजिक तत्वों से मुक्त कराया जाए जिससे कि हम शांतिपूर्ण जीवन जीने वाला जैन समाज है वह शांतिपूर्ण जीवन जिए और देश के लिए सर्वाधिक योगदान देने वाला करदाता जैन समाज है। ऐसे जैन समाज को आप यदि नेग्लेक्ट करते हैं, उन्हें किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। हम समस्त सरकार को, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, भारत के जितने भी राज्य हैं, समस्त राज्यों की सरकारों के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हमारे जहाँ जहाँ क्षेत्रों पर कब्जे किए गए हैं उन्हें मुक्त कराया जाए और हमें उनमें न्याय दिलाया जाए। आपका नाम? ब्रह्मचारी सुकांत भैया, ज्ञानोदिति चेत नारेली, अजमेर। किन मांगों लेकर धन्यवाद बेटे जैन समाज? आज संपूर्ण भारतवर्ष में जैन तीर्थों की सुरक्षा हेतु एक सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हुआ है, जिसके अंदर हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, जो शाश्वत तीर्थ क्षेत्र हैं, वहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है और
सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो हमारे जैन धरोहरों की दर्शन करने जाते हैं तो उनके साथ में अमानवीय व्यवहार वहाँ पर होता है। तो उसी क्रम में हमारे साधु संतों आचार्यों मुनियों की प्रेरणा से आज दिल्ली के अंदर लाल किला के मैदान से एक राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत हुई है। उसी क्रम में आज अजमेर जैन समाज के द्वारा यहाँ पर गांधी भवन स्थित पर एक सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है और जिसके तहत हम आज पूरा सकल जैन समाज उपवास पे रहेगा और 3 घंटे का एक विरोध प्रदर्शन यहाँ से किया जा रहा है। और समाज से ये सरकार से ये मांग हम लोग करते हैं कि हमारी सिर्फ तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए क्योंकि वो हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र होता है। और पूरे देश के अंदर कहीं रैलियों कई प्रदर्शन के माध्यम से आज ये कार्यक्रम हो रहा है और उसी क्रम में आज यहाँ है और कल हम लोग एक शिष्टमंडल जा करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम और राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन भी हम देंगे। प्रकाश जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिगंबर जैन महासंघ।